व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मानव हेयर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं एक दिखा रहा हूँ कि ये मी का नया ही अपडेट आया है, जो का नाम है मी यूआई वी वर्जन 10 3.4.0 PMJMIXM स्टेबल। ये 515 MB का है और ये आ जाए। इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं, जैसे कि देख सकते हैं कि सिस्टम के अंदर है वाइड व्यू लाइन L1 सपोर्ट, गेम के लिए ऑप्शन हैं, गेम टर्बो बूस्ट, गेम एक्सपीरियंस, और नया मार्च का जो पैच है वो आया है। साथ में फ़ोन के लिए हैं, फ़ोन की कॉल लंबी में मिलती थी जो इसमें ऑप्शन है, एंडिंग कॉल्स टुक लॉन्गर टुक देन एक्सपेक्टेड। स्टेटस बार शॉर्टकट का है, ऐप लॉक है, जैसे कि फेस ऐप लॉक का ऑप्शन इसमें, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। ये बहुत ही इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ये आप ऐसे अपना फिंगरप्रिंट लॉक से अपनी ऐप को लॉक कर सकते थे, अब शायद आप अपने फेस से आप अपनी ऐप को अनलॉक कर पाएंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे आए हैं हम। लॉक स्क्रीन का है कि फेस अनलॉक के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, नोटिफिकेशन में लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है, NFC का भी ऑप्शन दिया है। ऑप्टिमाइजेशन में इसमें देखिए फेस अनलॉक एफिशिएंसी, फेस डाटा वॉज रिकॉर्डेड टू फास्ट, जैसे कि आप फ़ोन अपना अनलॉक कर रहे हैं तो वो बहुत ही तेज़ अनलॉक हो जाता था, कभी कभी गलती से भी आपका फ़ोन फेस से अनलॉक हो जाता था, वो वाला ऑप्शन भी इसमें आई थिंक उन्होंने ठीक करा है। LED का है कि अगर आपकी बैटरी लो थी या बैटरी लो नहीं आपकी होगी तो आपको लाल लाइट आपकी नहीं आती थी, अब वो भी ठीक हो गया है। और ऊपर से वार्निंग आती थी अगर आप लो बैटरी, वार्निंग डिड अपीयर इन लैंडस्केप मोड, अगर आपका फ़ोन अगर साइड में पोर्ट्रेट मोड पे नहीं है, साइड में अगर वीडियो देख रहे हैं उस पे है तो आपका लो बैटरी का ऑप्शन नहीं आता था। और भी इसमें ऑप्शन है, कॉल टाइम बबल है, अगर आपको ऊपर से नोटिफिकेशन देखेंगे तो ऊपर से स्लाइड करेंगे तो कॉल का ऑप्शन आएगा, ऊपर बबल आप जा जाएगा। फेस अनलॉक का एक और ऑप्शन है, डिसअपीयर ऑन टाइम मीडिया प्ले में वॉल्यूम कुडंट रिस्टोर आफ्टर इट वॉज लोअर्ड बाई इनकमिंग नोटिफिकेशंस, ये देखना पड़ेगा। होम स्क्रीन तरह है, नोटिफिकेशन बैजेस, क्लॉक का है, कैमरे का है, सेटिंग्स का है। दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि नॉर्मली अपडेट में आते हैं नहीं आते। मेन कैमरे के अंदर देखिए आप अपने 4K वीडियोज़ को 60 FPS पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। न्यू आपके कैमरे का इंटरफेस होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अगर आप देखें तो कैमरे में अगर सामने अगर पौधे को रखेंगे तो आपको आएगा कि ये प्लांट है, तो इसको भी अपडेट किया है। कैमरे के फोकस को अपडेट किया है, कैमरे के शॉर्टकट को अपडेट किया है, और देखें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आइए इसको अपडेट करके देखते हैं, मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा तो फिर फोन वीडियो बंद हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपना है जो अपडेट कर लिया है, मेरे पास पोको F1 है 8GB 256GB का आर्मर्ड वर्जन। तो आइए देखते हैं इसमें वाले ऑप्शन आए नहीं आए। सबसे एक्साइटेड तो मैं हूँ जो है फेस अनलॉक जो है हमारी ऐप लॉक पे, इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए मैंने अपनी फिंगर लगाई भी नहीं और मेरी ऑप्शंस का आ गया कि इसमें मेरी क्या क्या लॉक हो रखी हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको साइड से खोलता हूँ तो ये देखिए ऐप लॉक पे मैंने क्लिक करा और ये देखिए वेरीफाइंग फेस डाटा, इस पर अगर जब तक अपना फेस नहीं लगाऊंगा तब तक खुलेगा नहीं, और फेस खुलेगा नहीं, बहुत बढ़िया चीज़ आ गई है। मैं इसके लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था क्योंकि जिस फ़ोन में फिंगरप्रिंट सेंसर अभी तक आया नहीं था, जैसे कुछ फ़ोन में एक दो में नहीं है, तो आप उसको जैसे कि कौन सा फ़ोन था, एक आया था जिसमें ऊपर से कैमरा निकलता था, मैं भूल गया, उसमें उसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था तो उसमें खाली फेस अनलॉक था। तो इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ यही है कि आप अपना फ़ोन बिना फिंगरप्रिंट सेंसर भी फेस से भी अनलॉक कर सकते हैं अपनी ऐप्स को। अगर मैं जैसे कि फेसबुक खोलूँ तो जैसे, या इंस्टाग्राम देखिए, अगर मैं इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो वेरीफाइंग फेस डाटा कर रहा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे कि कैमरे में था, मुझे फटाफट कैमरे में जाके देखते हैं कि इसके अंदर नया AI है निकाला है। अगर मैं अपने सेटिंग्स में इसके अंदर जाऊँगा और सेटिंग्स में गया रिकॉर्डिंग, अगर मैं देखेंगे तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग में ऑप्शन है कि नहीं, 60Hz दिखा रहा है, और अगर मैं जाऊँगा वीडियो में, वीडियो की सेटिंग्स में जाएंगे तो एक सेकेंड लेट मी, वीडियो क्वालिटी 4K 60 FPS देखिए, UHD पहले 30 FPS था का, अब 60 FPS का ऑप्शन भी आ गया। तो ये छोटी मोटी सेटिंग्स हैं, सॉफ्टवेयर से अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। दोस्तों ये था हमारा अभी लेटेस्ट अपडेट जो हमारा आया है, ये मेरा पोको F1 है। आई एम श्योर जो बाकी फ़ोन हैं Xiaomi के उनमें भी ये चलता होगा।
थैंक यू।